नूडल्स ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका है, गरम गरम नूडल्स होते के कपड़े फेंक देते हैं। तुम मुझे ट्रैफिक ट्रैफिक बोलने सिखा रहे हो। मिक्स लूंगी चलेगा। लहसुन बिक रहा है या सोना बिक रहा है? ये अच्छी लग रही है। मेरे नेक्स्ट ब्लॉग आएगा जूडियो से। अभी अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज सैटरडे छुट्टी का दिन है और अभी अभी डिसाइड हुआ कि हम नूडल्स बना रहे ब्रेकफास्ट में। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही थी पर अभी पता चला कि नूडल्स ही नहीं था एंड मैं जा रही हूँ नूडल्स लेने के लिए। बाहर सुबह सुबह भी छोटा पैकेट ये ब्रेड का चाहिए था, है आपके पास ये वाली? ये 20 वाली है क्या? नहीं ये तो 30 वाली, वो ब्राउन है। हाँ ये ब्राउन ब्रेड ही दे दीजिए। कितना? नूडल्स मुझे 3 पैकेट चाहिए। अभी हम लोग बना रहे नूडल्स। नूडल्स के लिए मैंने पानी गर्म करने रखा है एंड पहले मैं आरव के लिए बना देती हूँ ब्रेड और अंडा, क्योंकि नूडल्स तीखा होगा और आरव तीखा वाला नूडल्स नहीं खा पाएगा। सो हम उसके लिए पहले बनाते हैं अंडा और ब्रेड। पानी बॉईल हो गया है, उसी में डाल दिए नूडल्स। ये हमारी नूडल्स बॉईल हो रही है। ये हमारी इससे पहले ये जल जाए तो निकाल देते हैं। अभी आरव की ब्रेकफास्ट हो गई है रेडी एंड इसको खिलाते पहले फिर नूडल्स बनाते हैं। नूडल्स ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये कोरियन मैगी एंड मैं थोड़ा आज अलग बनाने की कोशिश कर रही हूँ नूडल्स को एंड थोड़ी सूप टाइप की हम लोग नूडल्स बना रहे हैं। वेजिटेबल्स मैंने रेडी किया है, ये रही हरी मिर्ची एंड कांदा एंड थोड़े से मैंने हरी सब्जी किया है एंड ये रहा शिमला मिर्च एंड ये सब ऐड करेंगे। अभी हमारी नूडल्स रेडी हो चुकी है बन गए एंड अब देख सकते हैं इसकी लुक। मैंने कुछ नया तरीके से बनाने की कोशिश करी थी, गरम गरम नूडल्स ये रहे। पता नहीं दिखने में कैसे लग रहे कैमरा में पर यम लग रहा है बहुत। ट्राई करके बताओ कि कैसा लगा आपको कुछ नया। अच्छा या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। जैसे पहले रिव्यू किया था वैसा करना चाहिए था। वाह। आपको भी ट्राई करना हो घर पे तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं आपको रेसिपी बता दूंगी। मैं ट्राई करके देखने वाली हूँ कैसा।
पर मैं सच्ची में अच्छा बना है या नहीं। अच्छा बना ठंडी में। और ऐसे ये वो नेपाल में कीमा नूडल्स नहीं होता है वैसा वैसा थोड़ा टेस्ट आ रहा है। नहीं लास्ट टाइम हम लोग नेपाल गए थे तभी हम लोगों ने कीमा नूडल्स ट्राई किया था एंड वो एकदम ज़्यादा एक्सट्रीम तीखा हो गया था। पर इसमें चिकन तो नहीं है, अंडा डाला हुआ है, पर बहुत अच्छी टेस्ट आई है इसमें सच्ची में। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, कुछ सब्जी लेना था शाम के लिए एंड पंखा फ्राइड राइस बना। गो प्रेस। वाह नो 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 बस बस जी ऊपर से कुछ कपड़ा तो गिरा है ऐसा लग रहा था, चेक करना पड़ेगा। इधर कुछ तो हो रहा है लगता है, पाल टांगा हुआ। चाचा ऊपर से कोई कपड़ा गिरा था क्या नीचे? ऐसा लगा कि हवा कपड़े से गिरा है। हाँ मुझे लगा कि गिर गया था। गिरता है कपड़ा कैसे रखते हो? नहीं क्यों मत ऊपर से गिरा हुआ कपड़े क्यों फेंक देना? कुत्ते के कपड़े फेंक देते हैं। ये है हमारे इधर का हाईवे। अभी तो इतनी ठंडी नहीं है, थोड़ा और लेट ईस्ट देंगे ना तो ज़्यादा ठंडी लगती है ना, अभी थोड़ी कम है। और ये हमारा आवाज अच्छा लग रहा है आपको? सो भी सकता है अभी है ना। अभी हम लोग स्टेशन के तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एकदम फ्रेश सब्जियाँ मिलती है, पर यहाँ पे शाम के टाइम पे ट्रैफिक मिलती है क्योंकि ये ब्रीज को लग के है और स्टेशन है ना यहाँ पे, तो इसीलिए थोड़ी जाम तो होती है। अरे मैं कंफर्टेबल हूँ जाम बोलने के लिए, तो क्यों तुम मुझे ट्रैफिक बोलने सिखा रहे हो? नहीं हो रहा है फिर दोनों का सेम ही मतलब होता है ना, या ट्रैफिक बोलो या जाम बोलो। नहीं भैया कितने की है? पत्ता गोभी एक दे देना दे मुझे एक दे दूँ इतना। हाँ एक मिक्स लूंगी चलेगा मिक्स। भैया मशरूम कैसे दिया? कैसे दिया लस? 100 रुपया पाओ? 100 रुपया पाओ? लहसुन बिक रहा है या सोना बिक रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी टी है। अभी 2 टी शर्ट परचेस किया है, मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। वन पीस भी बहुत अच्छी अच्छी है यहाँ पे, जैसे कि ये पर अच्छी प्राइस में है, अच्छी लग रही थी लॉन्ग में। और ऐसे जो क्रॉप टॉप होते ये बहुत अच्छे लग रहे थे, ये भी बहुत अच्छी थी। ये जो बड़ी टी शर्ट है येलो में अच्छी कलेक्शन है। हमें यहाँ से आरव के लिए कार्गो पैंट चाहिए। सो गया ये अच्छी लग रही है ना, कुछ और हमें अच्छा मिला नहीं, सिर्फ हमें ये 2 ही चड्डी अच्छी मिले, तो अभी हम आरव के लिए सिर्फ 2 ही चड्डी ले रहे हैं। बड़े मुश्किल से ट्रैफिक से हम निकल के आ चुके हैं और ये आरव अभी पूरी
जस्ट मैं अभी बोल ही रही थी कि हम लोग ट्रैफिक से निकल गए और यहाँ फिर से हमें ट्रैफिक मिल गया। अच्छे लग रहा है, अभी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग आएगा जूडियो से। अभी हम लोग जा रहे हैं मोमो खाने के लिए, जहाँ हमेशा से हम लोग खाते हैं फेमस दार्जिलिंग मोमो जो हमारे एरिया में है, एंड जस्ट हम लोग पहुँचने वाले। ये हम लोग दार्जिलिंग मोमो वाले के पास पहुंच गए, पर यहाँ पे लगता है बहुत भीड़ है, लोग लगता है लाइन पे खड़े हैं, तो देखते हैं हमारे लिए जगह है या नहीं। चलो अब ये हमारे एरिया का फेमस मोमो का दुकान है, दार्जिलिंग मोमोज हाउस, और यहाँ हम लोग अभी अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है, इसलिए हम लोग बाहर बैठ बाहर से आने के बाद मैं वेज फ्राई राइस की तैयारी कर रही थी, पर अभी मेरी फाइनली वेज फ्राई राइस बन के हो गई है, और मैं अभी बना रही हूँ गाजर का हलवा मीठा के हिसाब से, मीठा खाने के हिसाब से, और ये गाजर का हलवा अभी बन रहा है, एंड ये रहा ये मेरी गाजर का हलवा, एंड ये रहा फ्राई राइस, वेज फ्राई राइस। अभी खाना रेडी हो गया है और हम लोग अभी खाने के बाद सो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, आपकी छोटी सी हेल्प मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। थैंक यू सो मच। Hard to tell just what I'm thinking, you think it's hard to see behind my smile, I'll say